अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैंने सोचा कि मुझे घर की कुछ चीज़ें चाहिए थी, कुछ मुझे घर की ग्रोसरी की शॉपिंग करनी थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं चलता हूँ एक स्टोर में जिसका नाम है विंको फूड्स। तो हम वहाँ चलते हैं, आज हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। वैसे तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पर, लेकिन हमने जो चीज़ें लेनी हैं वो अवेलेबल होंगी जरूर, जाहिर सी बात है। तो चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए फिर हमारे साथ। अच्छा जी, तो अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ और हम गाड़ी में बैठेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे शॉपिंग करने। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे विनको स्टोर के ऊपर और हम यहाँ पे अंदर जाएंगे और वहाँ पे जाके शॉपिंग करेंगे। और जो आप मेरे पीछे स्टोर देख रहे हैं, एक ग्रोसरी स्टोर की चेन है US के अंदर। इनके काफ़ी ज़्यादा स्टोर हैं। एक वक्त में मैंने भी यहाँ पर शुरू में जॉब करी थी जब ये स्टोर नया नया स्टार्ट हुआ था। तो काफ़ी अच्छा स्टोर है, मैं काफ़ी यहाँ पर चीज़ें जो हैं इनकी काफ़ी मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हमें वहाँ पर क्या क्या। अच्छा जी, तो हम स्टोर के अंदर आ चुके हैं। हम इसकी मेन आइल के अंदर हैं जो कि इसकी मेन बिल्कुल जो स्टोर को रिप्रेजेंट कर रही है, मेन आइल है बिल्कुल इसकी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने स्टॉक में, काफ़ी अच्छा स्टॉक इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे, जो कि भरपूर एक पूरे अंदाज से पूरा अच्छा खासा बता रहा है। ये दोनों तरफ हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको नज़र आएंगी इसके अंदर। अच्छा, ये अब हम आ गए हैं इसके प्रोड्यूस डिपार्टमेंट में। प्रोड्यूस डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे ताज़ा सब्जियाँ और फल और फ्रूट वगैरह जो है जितना भी है सारा यहाँ पे आपको अवेलेबल होता है। तो अब हम आपको इसके साथ साथ चीज़ें भी दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है, क्या क्या नहीं है। तो देखें जी, यहाँ पर आम आ चुके हैं और आम जो है वो यहाँ पे 58 सेंट्स का एक, इन्होंने एक आम लगाया हुआ ईच मैंगो। बहुत छोटे छोटे से आम, बिल्कुल मेरे हाथ से भी छोटे, मतलब। फिर इन्होंने यहाँ पे अनानास लगाए हुए हैं। अनानास की हम कीमत देखते हैं तो ये $1 का एक अनानास इन्होंने लगाया हुआ है, नहीं $1.98 का इन्होंने एक अनानास लगाया हुआ है। और इन्होंने फूड कंपेयर प्राइस कंपेरिजन भी की हुई है और इन्होंने बोला कि ये जो मैंगोज हैं ये 78 सेंट्स के पर मैंगोज हैं। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे सारे फल वगैरह लगे हुए हैं, अगर हम आपको फल ये सारे दिखाएं तो काफ़ी ज़्यादा फल लगाए। इनकी यहाँ पे सैलड ड्रेसिंग की सारी चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने, सलाद के लिए जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो इन्होंने रखी हुई हैं। और अगर हम इसके साथ साथ अगर हम आपको इसी तरह यहीं चलते रहें और दिखाते रहें तो केले यहाँ पे बड़े लोग पसंद करते हैं और केले का भी पूरा इन्होंने एक पूरा वो स्टॉक यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे अंगूर भी हैं इनके पास, काले अंगूर पड़े हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, हमने हमने लेना तो कुछ और है लेकिन सिर्फ आपको दिखाने की खातिर जो है यहाँ पे हम आ गए, ताकि जो है क्या कहते हैं, देखें जी बिल्कुल फ्रेश सब्जियाँ इन्होंने यहाँ पे रखी हैं, ताज़ा सब्जियाँ हैं बिल्कुल, बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे इन्होंने जूस की बोतलें वगैरह भी रखी हुई हैं। अच्छा, ये बाकायदा थोक के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे ये कैंडीज रखी हुई हैं, यहाँ पर पाउंड के हिसाब से मिलती हैं, मतलब तकरीबन आधा किलो हो जाता है। जिस तरह ये है 2.8 की है। चलिए, तो ये इन्होंने ये तराजू भी लगाया हुआ है साथ में कि आपने इतना लेना है तो उस तराजू के हिसाब से। लॉलीपॉप काफ़ी शौक से लोग यहाँ पर खाते हैं, ये $2.88 का पाउंड है। अच्छा, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बल्क फूड्स के अंदर। अच्छा, ये बल्क फूड का सेक्शन है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको नज़र आएंगी। हे, हाउ यू डूइंग सर? गुड।
तो ये इन्होंने काफ़ी बड्डियाँ चंडियाँ लगाई हुई हैं और ये जैलियाँ पड़ी हुई हैं और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे। एक बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने यहाँ पे तो लगाई हुई है, यहाँ पे ये फ्रेश ग्राउंड जो है मक्खन मिलता है, जिसमें आपको ये मूंगफलियों का मक्खन भी मिल जाएगा और ये बादामों का मक्खन पड़ा हुआ है इनके पास कि आप यहाँ पे अपनी यहाँ से आपने कटोरी उठानी है और इसके नीचे आपने रखनी है और यहाँ से बटन प्रेस करना है और ये बटन है यहाँ पे, ये जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से मक्खन निकलना शुरू हो जाएगा जो कि बादामों वाला मक्खन होगा और उसमें मक्खन भी शामिल होगा, बड़ा ज़बरदस्त मक्खन होता है जी। अच्छा, इसमें एक और इन्होंने ये जी देखें बड़ा अच्छा ज़बरदस्त चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है, यहाँ से मैं शहद बहुत अच्छा खरीदता हूँ, ये ताज़ा शहद इन्होंने यहाँ पर रखा होता है, ये जैसा ऑरेंज ब्लॉसम हनी है, लॉन्ग वाला हनी है, क्लोवर हनी है, हनी वाइल्ड फ्लावर है, ये सारे किस्म के, और इन्होंने इस पर प्राइसेस भी लगाई हुई हैं कि पर पाउंड जो है ये किस किस तरह मिलेंगे। तो दूध लेना है, अब हमने दूध लेना है यहाँ पे स्मॉल गैलन दूध लेना है, उसके अंदर हम देखते हैं जो भी जिसकी देर तक एक्सपायरी होगी हम वाला दूध पिक करेंगे। तो मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि ये वाला जो दूध के गैलन है ये होल मिल्क है, मतलब इसके अंदर पूरी मलाई आपको नज़र आएगी और अगर आप उबालेंगे, लेकिन उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये प्रेस्चराइज होते हैं, तो ये इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 17 जुलाई तक की है। तो मैं एक चीज़ उठा लेता हूँ, ये मुझे दूध चाहिए। ठीक है जी, सिर्फ अभी तक मैंने एक दूध का डिब्बा ही ख़रीदा है और मुझे सिर्फ ये वाले जो अंडे हैं ये हमारे पास हैं, केज फ्री एग्स हैं, मतलब मुर्गियाँ आज़ाद फिर रही होती हैं। अच्छा, ये वाले जो थे इसमें केज फ्री नहीं है, ये वाला जो है ये केज फ्री एग्स हैं। ठीक है जी, हम ये देख लेते हैं, ट्राई करते हैं, एक ये लेना है। उसके बाद लेने के बाद यहाँ पे मुझे तजर्बा हुआ था जब मैं यहाँ पे काम कर रहा था कि इसमें काफ़ी अंडे जो हैं वो कभी कभार टूटे हुए भी निकलते हैं, तो हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि अंडे टूटे हुए तो नहीं हैं। तो नहीं जी, कोई अंडा टूटा हुआ नहीं है, साबुत ही लग रहे हैं, ये देसी अंडे एक तरह से जिसको आप कह रहे हैं। ये हम लेने जा रहे हैं ये हनी वीट, ये थोड़ी सी मीठी होती है डबल रोटी और बहुत अच्छी होती है, इसकी हम एक्सपायरी चेक कर लेंगे 13 की जो है, मतलब 13 को एक्सपायर होगी और आज काफ़ी दिन पड़े हैं मतलब। ठीक है जी, चलें जी आगे हम चलते रहते हैं आस्ते आस्ते, तो चलें जी अब हम इसको जो है यहाँ पर चेकआउट करते हैं, आपको भी प्रोसीजर दिखाते हैं कि इसके चेकआउट का प्रोसीजर क्या। सबसे पहले हमने अपना सामान उठाया, यहाँ पे हमने इसको स्कैन किया और जस्ट सिंपल जो है उसके अंदर हमने रख दिया। ठीक है जी, इस शॉपर को हमने अलग कर दिया। अच्छा, फिर हमने उठाई है ये डबल रोटी स्कैन करेंगे और इसको भी हम एक ये शॉपर के अंदर डाल देंगे। ठीक है जी, फिर हमारे पास ये अंडे आ गए। हम ये इसके अंदर जो है $10 का नोट डालते हैं, देखते हैं चेक करिए, और इसने बोला कि आपका जो है वो 00 हो जाएगा। ठीक है, इसने हमें ये पर्ची दे दी है और अच्छा जी दोस्तों, तो हमारी शॉपिंग अब कंप्लीट हो चुकी है, हमने तकरीबन अपनी तमाम शॉपिंग कर ली है और अब हम वीडियो की एंडिंग की तरफ चलेंगे। खैर, बड़ा अच्छा लगा विनको फूड से हमने शॉपिंग की आज, उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छी लगी होगी वीडियो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई कमी पेशी होगी तो ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ज़रूर कवर करेंगे। सो दुआ में याद रखिएगा अपने आबिद अली को, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।